ही किया। उनको दामाद बनाने का शौक है, वो सोचते होंगे कि शायद हम मैं उनका दामाद बन। जय हिंद दोस्तों, मैं सादिक मुश्ताक CVV न्यूज के तरफ से। हावड़ा में जो घटना हुआ ये आज के डेट में पूरा हिंदुस्तान जानता है, और आप और हम देख सकते हैं कि गोदी मीडिया के तरफ से बार बार ये साबित करने में लगे हुए हैं कि एक खास समुदायिक ने इस दंगे को आग दिया या इसको आगे की तरफ लेकर गया और उनके ऊपर हमला किया गया। ये लगातार कोशिश किया जा रहा है गोदी मीडिया की तरफ से कि इस बात को साबित कर दिया जाए। और मैं बात करना चाहता हूँ TMC के प्रेसिडेंट को, जिसके नाम से आज हर कोई वाकिफ है। ये नाम सिर्फ एक प्रेसिडेंट की नाम नहीं है, अगर ऐसा बोला जाए कि पूरा हावड़ा के लिए एक रहनुमा का नाम है। ये वही रहनुमा जो रमज़ान में गरीबों को बांटने में ना कभी अपना हाथ रोका है, ना छठ के मौके पर नन मुस्लिम भाइयों को भी मदद करने के लिए कभी किसी तरह से पीछे हटा है। ये पूरा हावड़ा जानता है कि यहाँ पर जब भी कोई भी किसी भी फरियाद लेकर पहुँचा है, चाहे शादी का मसला हो, चाहे किसी किस्म का मसला हो, जहां तक पॉसिबल हो इनके दर से हर कोई झोली भर के ही गया है। फिर भी आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल किस तरह से उनको फंसाने के लिए या उनके को बदनाम करने की साजिश में लगा हुआ है। ये आप बजाबते न्यूज में देख सकते हैं कि इनको बदनाम करने के लिए एक शुभेंदु अधिकारी तक मौका नहीं छोड़ता है कि किस तरह उस मसीहा को बदनाम कर दिया जाए, उनके छवि को दागदार किया जाए। क्योंकि आप जान सकते हैं कि अभी तक हावड़ा इलेक्शन का डिक्लेयर नहीं हुआ है, सीट का डिक्लेयर नहीं हुआ है, और ये BJP जानता है कि ऐसा फेस को रहते हुए हावड़ा में BJP को आना लगभग नामुमकिन है। मैं इसको ठोक कर इस बात को कहता हूँ, आप तो समझ सकते हैं कि मेरे मुराद किन से है। तो मैं बतला देता हूँ, मेरा मुराद वही समीम अहमद से है जो वार्ड नंबर 36 का प्रेसिडेंट है। CVV न्यूज में बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जुमरात को जो हुआ वो आप भी देखे और हम भी देखे, आप बार बार भीड़ को भगाने की कोशिश कर रहे थे और मुल्क में और हावड़ा में अमन और अमान कायम करने के लिए हर कोशिश आप और आपका टीम ने किया, फिर भी मिनिस्टर ऑफ अपोजिशन आपके ऊपर ये जो ब्लेम लगा रहे हैं इसके ऊपर आपका क्या कहना है? शुभेंदु अधिकारी, उनका काम है बोलने का, बोले दीजिए। वो अपने आप को हिंदू समझते, असल में उनका कोई कम्युनिटी से ताल्लुक है ही नहीं। वो कल तक उनके पीछे BJP पड़ा हुआ था, उनके ऊपर प्रयास और केस लड़ा था, आई ये कांड वो कांड, ये घपला वो घपला, बाद में वो झुक गए BJP में तो साधु हो गए। तो आज वो मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं, हमको गुंडा बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं या कॉन्स्पिरेटर बोल रहे हैं कि ये दंगा में मेरा कॉन्स्पिरेसी है। तो अगर अभी हम BJP ज्वाइन कर लेंगे तो अभी फिर वो हमको साधु बोलने लगेंगे। तो ये तो BJP वाले लोगों का काम है कि पहले किसी को गुंडा बोलो और फिर उसके पार्टी में डूब जाओ तो वो साधु हो गया। ये जैसे वॉशिंग मशीन नहीं होता है, गंदा कपड़ा डालो उसके बाद धूल के निकल जाएगा, BJP अभी वॉशिंग मशीन होगा। रहा बात हम लोग का दंगा करने का, तो हम लोग का भाई हम लोग मुसलमान हैं, रहा जो पहले मुसलमान हिंदू से पहले होता है इंसान, पहले इंसान आदमी, बाद में कोई मुसलमान है कोई हिंदू है, जिसके अंदर इंसानियत नहीं है, जिसके अंदर इंसान के लिए मोहब्बत नहीं है, इंसान के लिए हमदर्दी नहीं है, ना तो वो हिंदू हो सकता है ना तो मुसलमान हो सकता है। पहले खुद को इंसान बनाओ, उसके बाद हिंदू बनो, उसके बाद मुसलमान बनो। असल में ना तो ये हिंदू है ना तो ये मुसलमान है, ये है कि सिर्फ पार्टी का खेल है, ये पॉलिटिकल एडवांटेज लेने के लिए, पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए ये लोग दंगा कराता है, जिसमें नुकसान होता है आम इंसान का, आम हिंदू का, आम मुसलमान का। और मैं अपने मुसलमान भाइयों से भी बोलना चाहूंगा कि करने वाला 10-15-20 होता है भीड़ में, दोनों तरफ से होता है, उधर भी होता है उधर भी होता है, लेकिन जो करता है वो नहीं भुगतता है, करके चला जाता है। उसके बाद आप आम इंसानों को परेशान करते हैं, आम हिंदुओं को परेशान करते हैं या आम मुसलमानों को परेशान करते हैं। आपका जो उस टाइम PM बस्ती में उस दिन जो ये हुआ हादसा हुआ, उसके बाद तो जो करने वाला किया उसके बाद वो निकल गया। उसके बाद आप लोगों ने पत्थर मारा, जो बगल में घर था, जो बगल में अपार्टमेंट था, ये पंसिल अपार्टमेंट था या जो भी अपार्टमेंट था, उसके ऊपर ईट चलाने का या पत्थर चलाने का क्या दरकार था? जो करनी करके किया उसको तो मार नहीं पाए आप लोग, उसको तो पकड़ नहीं पाए, उसको पकड़ के पुलिस का हवाला कर देना चाहिए था। तो करने वाला तो करके चला गया, लेकिन आप लोग अगल बगल के आदमी के ऊपर
परेशानी थी। ये लोग आप लोग देख सकते हैं जितना फुटेज है, पूरे पीएम बस्ती के जो गरीब दुकानदार थे रोड पे, सब्जी वाले थे, फल वाले थे, जो ठेला लगा के ये कपड़ा बिक्री कर रहे थे, उनके उनको पूरा दुकान को जला दिया गया, उनका ठेला को जला दिया गया, पूरा फुटेज मौजूद है, पूरा सोशल मीडिया में फुटेज है। लेकिन जो यहाँ के गोदी मीडिया है, हिन्दुस्तान के गोदी मीडिया है, आप तो जानते हैं कहावत है अभी कि पहले अखबार बिकते थे छप गए, अभी बिक कर अखबार छपते हैं। जी जी सही है गलत बात है? आप भी प्रिंट मीडिया में है, आप भी बोलिए। पहले अखबार बिकते थे छप गए, अभी बिकते हैं छप गए, बिकते थे छप गए, अभी बिकते हैं छप के बिकते हैं। सर, इस तरह के इल्जाम आपके ऊपर लगाया गया है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं कि किस तरह से आप देखिए? मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, हमारे जो मुसलमान भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि भाई हम लोग इंसान है और हम लोग जो धर्म के मानने वाले मुस्लिम धर्म के, इस्लाम धर्म के, हम लोग के धर्म में कोई ये नहीं सिखाता है कि किसी इंसान पर जुल्म करो। हम लोग को ये बोला गया है, हम लोग को ये लिखा गया है कि कहीं एक बेगुनाह का अगर खून बहता है तो पूरा इंसानियत का मौत होता है। तो खासकर रमजान में हम लोग कोई ऐसा गलत काम नहीं करते हैं, खासकर हम नहीं कॉमेडी कोई गलत काम नहीं करते हैं, हम लोग किसी बेकसूर पे जुल्म नहीं करते या बेकसूर पे अत्याचार नहीं करते। आ रही बात हिंदू की, तो हिंदू जो मिथिल में आए थे वो ठीक है, रामनवमी का जुलूस था, राम जी का जुलूस था, तो राम जी के जुलूस में हथियार कहाँ से आता है? आप देख रहे हैं कोई मशीन लेकर लहरा रहा है, कोई तलवार लेकर लहरा रहा है, आप नाम दे रहे हैं शोभा यात्रा, लेकिन उसमें आप तलवार हथियार लेके आते हैं किस मकसद से आते हैं? हथियार की क्या जरूरत है उसमें? आप हथियार लेके आ रहे हैं, आप दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, आपका पॉलिटिकल एडवांटेज होगा, आपका पॉलिटिकल फायदे के लिए आप लोग इंसान को मार रहे हैं, इंसान में आपस के बातचीत को तोड़ रहे हैं, लड़वा रहे हैं, बेगुनाह का खून बहा रहे हैं, और इल्जाम दे रहे हैं कि मुसलमानों ने किए। मुसलमानों का ये कोई हरकत ही नहीं है, मुसलमान रमजान में कोई ऐसा गलत काम करता ही नहीं। सर सही रही बात मुसलमानों को इल्जाम देने के लिए, तो आप तो बहुत कुछ इल्जाम देंगे, खुद का इल्जाम दूसरों पर फेंक सकते हैं। कहावत है ना, जिनसे इनकी झूठी शान जिनसे इनकी झूठी इज्जत घटती है वो ऐसे हर इल्जाम को बदलेंगे। शहरों का नाम तो बहुत बड़ा डाले, अब अपने बाप का भी नाम को बदलेंगे। सर, इससे पहले देखा जाता है कि जिस पार्टी में आने के बाद शुभेंदु अधिकारी इतना नाम कमाते हैं, आज उसी पार्टी को छोड़ने के बाद वो पार्टी को, पार्टी के कार्यकर्ता को बदनाम करने पे लगे हुए हैं, क्योंकि वो तो पर्सनली आपको भी जानते हैं, फिर भी आपका करेक्टर को, आपके नाम को, आपकी पहचान को जानते हुए भी डायरेक्ट आपके ऊपर ही अटैक किया जा रहा है, इसके ऊपर क्या कहना है? उनका काम है बोलना है, एक बात बोलूंगा मैं अपने भाइयों के लिए बोलूंगा, मुसलमानी भाइयों को बोलूंगा, हिंदू भाइयों को बोलूंगा, एक बात बोलना चाहूंगा, किसी के बात पे मत जाइए। देखिए, आप गौर कीजिए, यही रामनवमी का जुलूस में अब जो हादसा हुआ, आप बताइए तो कौन सा हिंदू नेता या कौन सा मुस्लिम नेता उसका चोट खाया है या उसका घर जला है या उसका दुकान जला है? जो नुकसान हुआ है आप हिंदुओं का हुआ है, हम मुसलमानों के आम इंसानों का हुआ है, किसी नेता का नहीं हुआ, चाहे हिंदू का नेता हो चाहे मुसलमान का नेता हो। नेताओं का बात बजाइएगा तो इसी तरह नुकसान भुगतिएगा, और या मुसलमान भोगते या हिंदू भोगते, दोनों को भुगतना पड़ेगा। नेताओं का चक्कर में मत जाइए, नेताओं का काम है भगाना अपने फायदे के लिए, आवाम को लड़ाना, पब्लिक को लड़ाना। ये नेता सिर्फ अपने फायदे के लिए पब्लिक को इस्तेमाल करते हैं, ये मेरी गुजारिश है। और रिमर पे मत जाइए, हवा पे मत जाइए, ये ऐसा बोला है, वो ऐसा बोला है। अभी सुन रहे हैं बहुत लोग फोन कर रहे थे, भैया ऐसे ऐसे बोला था, ऐसे ऐसे बोल रहा है, ईद का रामायण नहीं होने देंगे या बकरीद का रामायण नहीं होने देंगे। अगर बोलने दो कौन है, कहा है, कहीं उसका अगर हिंदू का मतलब मालूम होता कि सही हिंदुत्व तो क्या है, वो अपने आप को अंजनी पुत्र सेना का ये बता रहा है, वे क्या नाम है, फाउंडर बता रहा है। सबसे पहले जो हनुमान चालीसा होता है उसमें क्या कहा गया है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अगर उसके पास ज्ञान रहता, उसके पास नॉलेज रहता, तो उस ये बोलने से पहले 10 बार सोचता। उसके इतने हिम्मत है तो ईद का नमाज आगे बंद करा कर देखा जाए, सिर्फ भोगने से कुछ नहीं होगा। तो मैं सिर्फ लोगों को ये बोलना चाहूंगा कि हाथी चले बाजार, कुत्ते भोगे हजार, जो भोगता है उसको भोगने दो, उसके बातों को मन जाओ, वो बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको उकसा रहे हैं, आपको
बरगलार है उसके बातों पे जाके आप आपस में झमेला मत कीजिए, आपस में दंगा मत कीजिए, आपस में मारपीट मत कीजिए, आप शांति अमन माहौल को बरकरार रखिए, यही गुजारिश है यहाँ के मुसलमानों और हिंदुओं के लिए। सर देखा जा रहा है कि बार बार उनके तरफ से भी बहुत सारी वीडियो आया कि ईद की नमाज पढ़ने नहीं देंगे, बकरीद की नमाज पढ़ने नहीं है, मुस्लिमों को भी फेस्टिवल मनाने नहीं देंगे, तो इसके ऊपर हमारा पार्टी या टीएमसी या आप इसके ऊपर क्या एक्शन लेना चाहते हैं, और यहाँ के लोगों के लिए जो हिंदू और मुस्लिम दोनों की बस्ती है दोनों को किस तरह का भाईचारगी बनाया जाए, क्या कदम उठाया जाए ताकि ये जो भाईचारगी हो आइंदा भी बरकरार रहे, इसके ऊपर आपका क्या करना है या क्या एक्शन लीजिएगा? देखिए हमें चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सबसे बड़ा बात इंसानियत होता है, हिंदू मुस्लिम धर्म बाद में आता है, पहले इंसान आता है। मैं दोनों कौमों के दोनों धर्मों के लोगों से गुजारिश करूँगा कि दूसरों के नेताओं के बातों में मत जाइए, कौन क्या बोल रहा है कि ये कर देंगे वो कर देंगे काट देंगे मार देंगे पीट देंगे, तो यहाँ किसी का बाप का क्षमता नहीं है, कोई कुछ कर सकता है, ठीक है, और जिसका हिम्मत होगा वक्त पे आके कर देगा, वो भोकने का काम उन लोग का भोकने दीजिए, वो चाहते हैं कि बरगलाएं मुसलमानों को, मुसलमान कोई नेता अगर बोल रहा है तो वो चाहता है कि हिंदुओं को बरगलाएं, बोलने दीजिए, उनके बातों में मत जाइए, अपना जो भाईचारा है अपना बना कर रखिए, अपना अमन और शांति बना कर रखिए। आपको तो बोले एक कहावत है ना, हाथी चले बाजार कुत्ते भोगे हजार, तो कुत्तों का काम है भोंकना, अब जब हाथी चलता है बाजार में तो कुत्ते भोंकते तो हाथी उसके पीछे काटने नहीं दौड़ता या मारने नहीं दौड़ता, वो अपना सीधा रास्ता चलते रहता है, इन लोग को भोंकने दीजिए, इन लोग का खमाता होगा, इन लोग का अगर पिछवाड़े में पानी होगा तो इन लोग आके बंद करा के दिखाएंगे, अगर हम बोल देंगे कि हम ये नहीं करने देंगे, ये पूजा नहीं करने देंगे, वो पूजा नहीं करने देंगे, तो क्या कोई मान लेगा कि हम नहीं कर देंगे? मेरे अंदर वो ताकत है कि हम रोक देंगे, हम किसी का पूजा और किसी का धर्म में इंटरफेयर क्यों करेंगे? सबसे बड़ा बात इस्लाम सिखाता है कि दूसरे के धर्म को इज्जत करना, दूसरे धर्म को इज्जत देना, दूसरे धर्म को गलत कभी बोला नहीं गया इस्लाम में, हमेशा इस्लाम ये कहता है कि दूसरे को धर्म को इज्जत दो, उसके धर्म को इज्जत दो, तो हम लोग कैसे दूसरे को धर्म को गलत बोल सकते हैं? उनका सोच है, उनका धर्म है, उनका आस्था है, तो उनके आस्था को ठेस हम लोग क्यों पहुँचाएंगे? हमारे धर्म में, हमारे इस्लाम में ये मनाहियत है किसी को धर्म के किसी को धर्म को गलत बोलना या किसी धर्म के जुल्म करना या किसी धर्म को ठेस पहुँचाना, किसी की आस्था को ठेस पहुँचाने में हम लोग का धर्म में परमिशन नहीं है, तो हम लोग कैसे अपने धर्म के अगेंस्ट में जाएं? बार बार आपके ऊपर ही अटैक किया जाता है कि समीम अहमद समीम अहमद समीम अहमद समीम अहमद को में गंगा के किनारे भी देखा जाता है, ईद में सबके आगे बैठ के नमाज भी पढ़ने के लिए देखा गया है, फिर भी समीम अहमद को ही हावड़ा में टारगेट क्यों बनाया जा रहा है? ये समीम अहमद है जो एजुकेशन सोसाइटी ट्रस्ट चला रहे हैं निसार अहमद के नाम से, वाटर फैसिलिटी है गरीब बच्चों के लिए, ट्यूशन भी है, बहुत सारी ऐसा NGO आपके तरफ से चल रहा है, फिर भी टारगेट हर बार आपको ही क्यों किया जा रहा है? तमाम लोगों से मैंने बात किया, सबका यही कहना है कि मुद्दे पे समीम अहमद मौका पे आकर मामला को शांत करवाया, फिर भी बार बार समीम अहमद को ही सामने लाया जा रहा है, तो इस पे समीम अहमद को उन लोगों को क्या कहना है जो कहते हैं कि सब जो किया समीम अहमद, उनको दामाद बनाने का शौक है, वो सोचते हो रही शायद हम मैं उनका नमाज मन है ताकि बोलिए मेरे वाइफ है, मेरे वाइफ से परमिशन लीजिए, मेरे वाइफ परमिशन लीजिए। हमारा जो ये मुल्क है ये सेक्युलर मुल्क है, हम गंगी जहनी तहजीब में रहते हैं या हिंदू मुस्लिम का मिलाप से ये देश चलता है, और हम ये भाईचारगी को हमेशा बना के रखेंगे। बार बार इनका अपील मुसलमानों से भी यही है, क्योंकि बस्ती में परसेंटेज मुसलमानों की आबादी है, कि आप अमन अमान बनाए रखें, ये पोलिटिकल साजिश है, पोलिटिकल साजिश के तौर पर मुल्क का और हावड़ा का माहौल खराब किया जा रहा है, ऐसे लोग आते रहेंगे, और बार बार इनका कहना है कि कुछ बजरंग दल हिंदू परिषद के लोग थे जो इस जुलूस में आते हैं और इस ये जो जुलूस है इसको खराब करने की कोशिश करते हैं, फिर को बिगाड़ने का कोशिश किया है, हवा को खराब किया गया ताकि पॉलिटिकल फायदा बीजेपी को पहुंचे। सर इसमें क्या कहना है? अब देखिए आप अगले साल भी इसी रामनवमी के जुलूस में दंगा हुआ था, ये झमेला हुआ था, आप बताइए बंगाल में सिर्फ रामनवमी का जुलूस नहीं निकलते, दुर्गा पूजा भसान होता है, हमारे बंगाली भाई हैं जो उनके जो प्रोग्राम होते पूजा होते, सबसे बड़ा पूजा दुर्गा पूजा होता है, किसी का पूजा राम जी भी किया करते थे, उनके पूजा में उनके रैली में या उनके भसान में आज तक कभी झमेला नहीं हुआ, आज तक कोई दंगा नहीं हुआ, कोई कहा नहीं कोई मुसलमान पत्थर मार देते। हम लोग का भी जो जुलूस, हम लोग का भी जुलूस जाता है
आपको बड़ा लोग रविवार का जुलूस जाता है उसमें कहा नहीं कोई हिंदू या कोई बंगाली पत्थर मार देता है। ये जब रामनवमी का जुलूस आता है इनके जो ऑर्गेनाइजर है विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल वाले सिर्फ इन्हीं के जुलूस में क्यों झमेला होता है पहले ये उनसे सवाल किए कि आप ही के जुलूस में क्यों झमेला होता है, दुर्गा पूजा में क्यों नहीं झमेला होता, दुर्गा पूजा का भाषा में क्यों नहीं झमेला होता, काली पूजा में क्यों नहीं झमेला होता है, दिवाली में क्यों नहीं झमेला होता है, छठ पूजा में क्यों नहीं झमेला होता है, विश्वकर्मा पूजा में क्यों नहीं झमेला होता है, सिर्फ आपके रामनवमी के जुलूस में क्यों झमेला होता है, क्योंकि आप मोटिव लेके आते हैं दंगा कराने के लिए। आपके जो बाप बैठे हुए दिल्ली में आरएसएस वाले बीजेपी वाले आपके जो बंगाल में बीजेपी के लीडर हैं उनके कहने पे आप लोग रामनवमी के जुलूस में जानबूझ के दंगा कराने की कोशिश करते हैं, दंगा कराते हैं। आप इतने बड़े बड़े पूजा होते हैं हमारे बंगाल में जिसमें हर हिंदू भी शामिल होता है मुस्लिम भी शामिल होता है उसमें आज तक काहे नहीं दंगा होता है, काहे नहीं कोई मुसलमान मार देता है या कोई बारे रविवार के जुलूस में काहे नहीं कोई हिंदू पत्थर मार देता है, क्योंकि लोकल इंसान कभी झमेला नहीं चाहता है, लोकल हिंदू लोकल मुसलमान आम हिंदू कभी झमेला नहीं चाहता है। ये तुम लोग को लीडरिंग की दुकान चलाने के लिए तुम लोग ये काम करते हो, आपस के हिंदू आपस के मुसलमान को लड़वाते हो, ये तुम्हारा कारनामा है, तुम्हारा देन है, तुम्हारी कोशिश है, तुम हमेशा कोशिश करते हो आपस के मुस्लिम और हिंदू को भाईचारे को तोड़ने को। जो हिंदू है हिंदू और हिंदुत्व में बहुत फर्क है, हिंदुत्व है तुम लोग का हिंदुत्व तुम लोग का बनाया हुआ बीजेपी वाले को बनाया हुआ आरएसएस वाले को बनाया हुआ हिंदुत्व हिंदू में अंतर है। जो बोले हम हिंदुत्व मानते हैं तो वो हिंदू नहीं है, वो बीजेपी आरएसएस बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद है। जो हिंदू है हिंदू का मतलब अगर जान जाएगा सबसे बड़ा जब इंसान नहीं होगा वो हिंदू नहीं होगा, वो इंसान नहीं होगा तो मुसलमान नहीं होगा। पहले इंसानियत देखो उसके बाद हिंदू मुसलमान देखो, यही बात बोलना चाहूँगा मैं अपने खासकर हर हिंदू और मुसलमान भाइयों से बोलना चाहूँगा। कौन क्या बोल रहा है कौन क्या बोल रहा है चमड़ा का जुबान है कुछ भी बोल सकता है, बहुत आदमी है लंबा चौड़ा बात बोलने वाला, बोलने का बात तो दूर है करके देखाओ उसके बाद आदमी मानेगा। अगर तुम्हारा अंदर हिम्मत होगा तो आगे करके देखाओ। इसके लिए हमारे वार्ड के हमारे एरिया के हर एक हिंदू हर एक मुसलमान तैयार है इसका सामना करने के लिए। और एक बात गुजारिश करूँगा कि आप लोग कभी स्टेटस लगा रहे हैं टीएमसी को गाली दे रहे हैं, ममता बनर्जी को गाली दे रहे हैं, कोई अरूप दा को गाली दे रहा है कि ये कुछ नहीं किया वो कुछ नहीं किया, तो अरूप एक बात याद रख लीजिए पूरा हिंदुस्तान का माहौल देख लीजिए आज जहाँ पे बीजेपी की रूलिंग पार्टी है पूरे हिंदुस्तान में क्या हाल है मुसलमानों का या हिंदुओं का, कोई चैन से जी नहीं रहे हैं, ना मुसलमान जी रहे हैं ना हिंदू जी रहे हैं। आज अगर यही कांड अगर कहीं यूपी में हुआ कि गुजरात में हुआ होता तो आज का माहौल कुछ और होता। आज देखिए कितने बेकसूर मुसलमानों को या बेकसूर हिंदुओं को जेल में ढुकाया गया है, बेकसूर मुसलमानों को गलत केस देकर जेल में ढुकाया गया, जिनकी जिंदगी पूरे जेल में सड़ लगी है। ये बीजेपी सरकार का दिन है, आज हमारी सरकार आज हमारी सीएम ममता बनर्जी हमारे मिनिस्टर रूप राय आज यहाँ हावड़ा में है, बंगाल में हमारी सरकार ममता बनर्जी हमारे सीएम ममता बनर्जी है या बीजेपी बनर्जी है, तो आज हम लोग का यहाँ हम आपस में भाईचारा कायम है। और जिस दिन ममता बनर्जी या आरोप हावड़ा में नहीं रहेंगे हावड़ा से भाईचारा खत्म हो जाएगा और बंगाल से पूरा भाईचारा खत्म हो जाएगा। तो आप लोग ये मत देखिए ये क्या किया वो क्या किया, क्या वो स्पोर्ट पर रहेंगे तुमको संभालने के लिए, तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम अपने जिम्मेदारी से लोगों को बचाओ या लोगों से संभालो झमेला रोको। लेकिन आप लोग समझते नहीं है कौन एक उल्टा ईट चला दिया आप लोग भिड़ गए, ठीक है उससे भिड़े हैं उससे जो हुआ उसको पकड़कर थाना में दे दो, मानना है मारो उसके बाद थाना में जमा कर दो, पुलिस को इन्फॉर्मेशन दो, एडमिनिस्ट्रेशन है पुलिस है प्रशासन है वो समझेगी, ना कि आप बगल में रहने वाले जो हमारे हिंदू भाई है उस पर अटैक करोगे या उन पे ईट चलाओगे या पत्थर चलाओगे। ये गलत काम है, जो गलत है गलत बोलेगा आदमी, जो करने वाला है उसको सजा देना उसको सजा दो, पुलिस को इन्फॉर्मेशन दो प्रशासन को इन्फॉर्मेशन दो, प्रशासन है पुलिस है जब नहीं समझेगी उसके बाद तुमको एक्शन लेना होगा। लेकिन अगल बगल के इंसान को जो आज वर्षों से रहते हैं हमारे साथ में एक साथ मिलकर रहते हैं एक साथ एक एरिया में रहते हैं उनके ईट पत्थर चलाने की जरूरत नहीं है आपको, ये गलत काम है आप लोगों का। मैं आपसे गुजारिश करूंगा अगर ऐसा करना है
तो आप लोग का अंजाम आप लोग भुगतेंगे। जो कर रहा है आप उसको जो करना है उसको करो, उसको सजा दो, लेकिन किसी के अगल बगल के इंसान को डिस्टर्ब मत करो, क्योंकि आज तक वो तो आपका डिस्टर्ब नहीं किया या आपको खिलाफ कभी बोला नहीं है या आपके मजे में दखलअंदाजी नहीं किया है। यही बोल के मैं ये अपील करूंगा कि अफवाह मत जाओ, कौन क्या बोल रहा है बोलने दो, उनका काम है बोलना, उनका वो तो यही चाहते हैं कि हम कुछ बोलेंगे अगला भड़केगा, अगला बरगलाएगा, अगला जोश में आएगा, गलत कदम उठाएगा, हम उसका फायदा उठाएंगे। आप चाहते हैं उसका फायदा उठाने, उसको फायदा उठाने देना चाहते तो आप दीजिए। मेरा काम है बोलने का, समझने का काम आप समझिए। आपको इमाम साहब भी बता रहे हैं, बोल रहे हैं, तकरीर भी हुए हमारे जुम्मा की नमाज में, फिर भी आप लोगों ने सुना, आप लोग फिर भीड़ लगाए खड़ा होकर रोड पे। अरे भीड़ लगाए खड़ा होकर फायदा क्या है? जो करके किया चला गया, फिर भीड़ लगाकर रास्ता जाम करेगा फायदा क्या है? आप लोग कर रहे हैं, हमारे बस्ती के लोगों, हमारे बस्ती के जो आम लोग हैं जो नहीं जानते ये सब, उनको भोगना पड़ेगा, उनको तकलीफ होगी, उनको मुसीबत झेलना पड़ेगा। तो आप लोग ये समझते नहीं है, हुटपटा सुन लिए, ये ऐसा बोल दिया, यहाँ ऐसा हुआ, रोड पर उतर जाओ तो जाइए ना। आज यहाँ पे ऐसी सरकार है कि जो हर इंसान को हर काम पे साथ लेके चल रही है, तो आज यहाँ पे आप सेफ हैं, आप बचे हुए हैं, नहीं तो यही जाके देखिए यूपी में, यही जाके देखिए गुजरात में, रास्ता तो दूर का बात है, आप घर के सामने भीड़ लगाई ना आपको समझ में आ जाएगा। यही करना चाहूंगा, किसी के बात तो मत जाओ, किसी का अफवाह मत जाओ, अपना अकल लगाओ, अपनी समझदारी से काम लो। हम लोग के रहनुमा है, इमाम साहब है, उनसे तालुका तरफ को उनसे बात करो, उनके बात सुनो, उनसे समझौता लो करो, उनसे बात करो, उनके बाद जो राय देंगे उनका बात पर चलो। बस यही गुजारिश है आप लोगों से, हिंदू हो या मुसलमान हो, नेताओं को बात तो मत जाइए, नेता सिर्फ अपनी दुकान चलाने के लिए, अपने लीडर की दुकान चलाने के लिए आप लोगों को इस्तेमाल करते हैं, और आप लोगों को कुछ देने वाला नहीं है सिर्फ नुकसान के अलावा। आप देख सकते हैं कि समीर अहमद का सिर्फ एक सवाल है कि बंगाल, वेस्ट बंगाल, जिसका सबसे बड़े फेस्टिवल दुर्गा पूजा मनाई जाती है और बहुत सारे ऐसी फेस्टिवल मनाई जाती है, पर उन सारे फेस्टिवल में कहीं कुछ नहीं होता है। जब भी रामनवमी होता है तो ये माहौल खराब क्यों होता है? ये सोचने की बात है, ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दिया कि ये बात पे हर कोई को गौर और फिक्र करना चाहिए कि ये माहौल रामनवमी में ही क्यों खराब होता है। बंगाल का सबसे बड़ा जो त्यौहार है दुर्गा पूजा, जिसको यूनेस्को ने भी दर्जा दिया, उसमें ऐसा माहौल क्यों नहीं खराब किया जाता है? तो ये बात आपको भी समझने का जरूरत है कि अगेंस्ट पार्टी या ऐसा बोला जाए कि केंद्र का पार्टी आपको बार बार उबलाता है ताकि आप गलती करें और यहाँ सरकार बदल दी जाएगी। ये तमाम लोगों के लिए सोचने की बात है, आप इस पे सोचिए और गौर करिए। आपको कैसा लगा इसको कॉमेंट्स करके हमें जरूर बतलाइएगा। आपका कॉमेंट्स का इंतजार हम सबको रहेगा। जय हिंद।